हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल VIP एडवांस टेक में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 बज चुके हैं और हमारा टाइम हो चुका है लाइव क्लास का। तो जल्दी से एक बार सब लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, सभी इंजीनियर्स का हमारे साथ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 PM पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी गुप्ता एंड गुप्ता बुक है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉल्यूशन को सीरीज बढ़ाते हुए गाइस, आज हम क्या करेंगे, सर्वेइंग इंजीनियरिंग का हम अपना पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। और गाइस, हम क्या करते हैं, अपनी डेली ऑनलाइन लाइव प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। वीडियो पर आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, जितनी मेहनत चल रही है उसके अकॉर्डिंग लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलो आज पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे गाइस। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 4 में आज हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट 4 में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 50 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सर्वेइंग इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो काफ़ी स्पीड के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग अभी वर्मा जी, वॉइस वगैरह बता दो एक बार अभी वर्मा जी, कैसी वॉइस आ रही है। ठीक है, एक बार लाइव क्लासेस के शेड्यूल के बारे में हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या हमारी लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी मैं आप लोगों के लिए करा दूंगा। ठीक है, अरेंजमेंट चल रहा है, आप किसी चीज़ के लिए परेशान मत हो। ठीक है, डेली ऑनलाइन हमारे लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। 8 AM पे हम RS कुर्मी बुक का सॉल्यूशन देखते हैं, 10 AM पे हम GK GS का लाइव प्रैक्टिस सेट लगाते हैं डेली। ठीक है, 9 PM पे हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक होता है जो अभी चल रही है क्लास हमारी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के गाइस जो क्लास है वो इस लेक्चर के तुरंत बाद आपकी होगी। ठीक है, और मॉक टेस्ट आज हम लोगों ने लिया और उसमें काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है गाइस। ठीक है, मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने अच्छे से आज टेस्ट को परफॉर्म किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। ठीक है, बिना किसी हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे गाइस, फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू चैन बिकॉज द स्टील बैंड। गाइस, आपको बताना है कि अगर आपको एक्यूरेट वर्क करना होता है तो उस केस में आप स्टील बैंड को प्रीफर करते हो चैन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा आप क्यों करते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि आपको बताना है कि आपका स्टील बैंड जो होता है वो लाइटर होता है चैन से। ठीक है, या ये ज़्यादा ईजियर होता है इसको हैंडल करना, या फिर ये आपका जो होता है प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसेबल होता है। ठीक है, और इसको यूज़ करना भी क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, इजीली इसको रिपेयर करा जा सकता है फील्ड में। जल्दी से सब लोग आंसर करके बताएंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर अभी वर्मा जी का आंसर मेरे पास सबसे पहला आया है सर, 36 का सी आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब लोग भी आंसर करेंगे गाइस, जल्दी से एक बार लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे 9 बजे गाइस क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे सब लोग आंसर करेंगे गाइस। आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने हमें चैन तो बता रखा है, ठीक है, चैन क्या होती है, पर ये बताओ कि स्टील बैंड क्या होता है। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा जी का भी आंसर सही है, सर एक बार ये बता दो कि स्टील बैंड क्या होता है। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, स्टील बैंड कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए, एक तरीके का टेप ही होता है। ठीक है, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि आपका टेप ही होता है, जो स्टील बैंड होता है ना ये टेप ही होता है। ठीक है, तो आप जो स्टील बैंड होता है आप ये कह सकते हो टेप होता है ना, ये ज़्यादा क्या होता है आपका प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसेबल होता है। इनएक्सटेंसेबल मतलब ये जल्दी से आपका एक्सटेंड नहीं होता है, जल्दी से खिंचता नहीं है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, नॉट लाइएबल टू किंग्स वैन इन यूज़। तो गाइज होता क्या है, साथ ही इसमें क्या होता है, जो भी आपकी किन्स का मतलब होता है किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना यूज करते समय, उन प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल, ए बी सी भी सही है। हाँ गाइज, ये भी कह सकते हो कि लाइटर भी होता है। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना ये मतलब फॉलो कर रहे हैं स्टील जो हमारा बैंड होता है उसको, लेकिन जो मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग पंकज जी, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मोर एक्यूरेट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, बाकी ऑप्शन भी आपके कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टील टेप आपका क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये होता है आपका स्टील बैंड, जिसको हम स्टील टेप भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ज़्यादा एक्यूरेट होता है आपका, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है। इस आप इस चीज़ को फोकस करोगे कि मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही आपका 10 to 20 to 30 meter का लॉन्ग होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम इसकी वाइड की बात करें तो कितना होता है आपका, 12 to 16 mm वाइड होता है। ठीक है, और थिकनेस की अगर आप बात करोगे तो थिकनेस कितनी होती है गाइज इसकी, वेरी गुड इवनिंग गाइज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, 0.3 से लेकर के 0.6 mm तक क्या होता है, वाइड भी होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए हम स्टील बैंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू चैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ चैन इज मेजर्ड फ्रॉम, गाइस आपको बताना है कि जो आपकी लेंथ होती है ना चैन की, वो आप किस तरह से मेजर करते हो। सेंटर से हैंडल तक मेजर करते हो, ठीक है, या हैंडल से, आउटर हैंडल से। बिल्कुल राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग गाइज, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी से एक बार, हाँ 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं गाइज, बिल्कुल आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारा जो परिवार है VIP परिवार जिसको हम बोलते हैं, वो जल्दी से हमारा 2K लोगों का हो जाएगा, बस एक सब्सक्राइबर की कमी है, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दो वीडियो, एक भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अभिषेक वर्मा जी का, गौरव जी का, अभि वर्मा जी का, बिल्कुल यहाँ पर आंसर आ रहा है बी सर, आउटर टू आउटर हैंडल जो होता है उसको मेजर करते हैं। देखो आपने देखा होगा जो चैन होती है ना, सर्विंग चैन, वो कुछ इस तरीके से होती है, लिंक कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, लिंक कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जब लिंक कनेक्ट होते हैं ना, आपने अपने कॉलेज टाइम में ज़रूर देखी होगी एक ना एक बार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पंकज जी कह रहे हैं हो गए हैं सर, नहीं वो अभी 2K दिखा रहा है, ठीक है, अभी यूट्यूब पर 2K दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अभी एक बंदा कम है, ठीक है, एक बंदा हमारे परिवार में अभी कम है, वो भी हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो, आप सब लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो आपका आउटर हैंडल है ये वाला, ठीक है, एक एंड का, और दूसरे एंड का भी जो आउटर हैंडल है ना गाइस, इसकी जो लेंथ आप मेजर करते हो ना चैन की, वो इस तरीके से मेजर करते हो, ये आपको देता है कि चैन की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, कि जो आउटसाइड हैंडल होगा ना, वन एंड का और सेकेंड एंड का भी जो अदर जो आपका हैंडल होगा, वहाँ तक की आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, ठीक है। चलो बिल्कुल, तो यहाँ पर यही इसमें बताना था, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है गाइस, आपके पास चार स्टेटमेंट होंगे और आपको गलत स्टेटमेंट उसमें से बताना है कौन सा है, ठीक है। अभी दो स्टेटमेंट आप लोगों को शो हो रहे हैं, ठीक है। द ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर, गाइज आपको बताना है कि जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्लेसेस पे पैरेलल होता है, ये आपको बताना है, ये बात सही है या गलत है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज नॉट वेरिएबल, यानी कि जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है वो कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे वेरिएबल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। बिल्कुल अफरीद जी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग अफरीद जी, यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, ठीक है। गाइज देखो ट्रू मेरिडियन तो बहुत दूर की बात है, पहले तो सर हमें ये बता दो कि ये मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, आप ट्रू मेरिडियन तो बाद में बताना, पहले हमको ये क्लियर करो कि मेरिडियन होता क्या है, ठीक है। चलो गाइज वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी तक देखो हमें इन दो ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन नंबर ए से ही मिल जाता है, ठीक है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। हाँ यहाँ पे जो सही आंसर मिल जाता है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो मिल जाता है गाइज, जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है, पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, कि ट्रू मेरिडियन जो आपका होगा ना, वो किसी भी प्लेस के साथ वेरी नहीं करता है, वो फिक्स होता है आपका, ठीक है। अच्छा पंकज जी कह रहे हैं 2K हो गए, बिल्कुल रंगनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ जुड़ने सभी का स्वागत है, ठीक है। एक बार सी और डी और ऑप्शन और देख लो, ठीक है, इसी क्वेश्चन के। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन कवर्स टू अ पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, गाइस जो आपका ट्रू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राकेश यादव जी, थैंक यू राकेश यादव जी, एक बार वीडियो को लाइक कर दो गाइस। देखो जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है ना दोस्तों, ये ट्रू मेरिडियन क्या करता है, कनेक्ट करता है आपका जो नॉर्दर्न और जो साउदर्न वाला जो पॉइंट होता है आपका, जो नॉर्दर्न और साउदर्न वाले जो पॉइंट होते हैं ना, उनको कनेक्ट करता है आपका ट्रू मेरिडियन, ठीक है। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जियोग्राफिकल जो पोजिशन होती है नॉर्थ साउथ की, वहाँ से पास करती है। देखो एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, बताऊंगा कि मेरिडियन क्या होती है, कितने तरीके की होती है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका डी का देखो, द मैप्स प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन ट्रू मेरिडियन, हाँ बिल्कुल अफरीद जी बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो। बिल्कुल भाई, जो आपका मैप प्रिपेयर करा जाता है ना, वो किस बेस पर प्रिपेयर करा जाता है, जो कोई भी आपका, एक सेकेंड अच्छा यहाँ से कोई मुझसे पूछ रहा है कि सुबह की क्लास क्यों नहीं है, देखो सुबह की क्लास नहीं होती गाई, किसी वजह से क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन परेशान मत हो, कल क्लास होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैप्स की बात कर रहा था, मैप्स प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री, गाइस किसी भी कंट्री का क्या होता है, एक सर्वे डिपार्टमेंट होता है, तो वो लोग जो मैप प्रिपेयर करते हैं ना, वो किसको मान के प्रिपेयर करते हैं, जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है ना, जो नॉर्थ और साउथ पॉइंट को कनेक्ट करता है, उसी को मान करके कोई भी मैप प्रिपेयर करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका क्या हो, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, USA हो, रूस हो, चाइना हो, कोई भी हो, सब लोग किसको, जो आपका ट्रू मेरिडियन होता है, इसी को मान करके मैप प्रिपेयर करते हैं। तो चलो इससे रिलेटेड हम पॉइंट क्लियर करते हैं अपने, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे मोर लगी हुई दिख रही होगी आपको, मेडी जी की, ठीक है, ये मेडी जी पब्लिकेशन जो है ना, मेरे पास पोस्टल कोर्स पड़ा हुआ है, सही है,
चलो इसके लिए भी कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो मेरिडियन गाइस, मेरिडियन आपको बताता हूँ मेरिडियन क्या होता है। देखो मेरिडियन की ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। मेरिडियन क्या होता है, आपके पास कोई भी रेफरेंस लाइन अर्थ पे, ठीक है, आपको पता है कि अर्थ पे क्या होता है, किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लाइनें आपने देखी होंगी ग्लोब पे, ग्लोब पे आपने इस तरीके की लाइन से लाइनें देखी होंगी। तो गाइस ये लाइनें हमारी मेंशन करी जाती हैं, तो इनमें से कोई भी अगर एक लाइन को ले लो, ठीक है, आप किसी भी एक लाइन को ले लो, उसको रेफरेंस मान लो, ठीक है, और रेफरेंस मान के आप जितनी भी रीडिंग्स लोगे ना उस लाइन को रेफरेंस मान के, वो सारी की सारी किस केस में आएंगी, आपकी मेरिडियन में आएंगी, यानी कि उस लाइन को आप क्या कह दोगे, मेरिडियन कह दोगे। यहाँ पर कह रहे हैं सर बफर कर रहा है, क्या जिन लोगों का बफर कर रहा है ना यार, एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लो भाई, क्योंकि आज यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मौसम ख़राब होने के साथ साथ यहाँ पे ओले भी पड़ रहे हैं, ठीक है, जो आपका वो होता है ना ओले होते हैं ना ओले, वो पड़ रहे हैं आज, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है विपिन कुमार बफर कर रहा हो, तो एक बार यार वीडियो को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। देखो मेरिडियन आपको बताता हूँ कितने तरीके की होती हैं, एक आपका ट्रू मेरिडियन होता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, एक आपका ग्रिड मेरिडियन होता है, एक ऑर्बिटरी मेरिडियन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा की आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चारों नाम आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको पहली बार पता चला होगा कि सर मेरिडियन भी इतने तरीके की होती है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, जो आपको ट्रू मेरिडियन मुझे समझाना था, ठीक है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन की क्वेश्चन में बात करी गई थी। तो देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, क्या है अर्थ, अर्थ पे क्या है, आपका नॉर्दर्न पोल है, और ये आपका क्या साउदर्न पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न और साउदर्न पोल को क्या है, अफरीद जी कह रहे हैं सर बफर कर रहा है, ज़्यादा बफर कर रहा है क्या गाइस, ये बताओ ज़्यादा बफर कर रहा है, बफर ज़्यादा कर रहा है। तो देखो ये नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल को क्या है, एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करा गया है आपका, तो इस लाइन को जो हम कनेक्ट करा गया है, इसी को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, ठीक है, अर्थ पे। अभी वर्मा जी बोल रहे हैं सही है सर नहीं कर रहा है। अच्छा गौरव जी बोल रहे हैं नहीं है। देखो अगर जिनका बफर कर रहा है ना, देखो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे थोड़ा सा इशू है आज वेदर का, तो उसको लेकर के मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, पढ़ लो, ठीक है, जितना चाहो उतना पढ़ लो, ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत कंटेंट मिलेगा सर, ठीक है। चलो पंकज जी मेरा सही है, अच्छा चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करो, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी, गाइज ए बी लाइन की आपको ट्रू बियरिंग दे रखी है 269 degree 30 minute, आपको ट्रू बियरिंग दे रखी है। आपको एज्यूमिथ बताना है, एज्यूमिथ क्या होता है, ठीक है, एज्यूमिथ बताना है इस लाइन ए बी का क्या होगा। यहाँ पे आंसर डी आ रहा है रंगनाथ जी का, सर रंगनाथ जी का आंसर डी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करो, 39 का कर रहे हो ना, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर करो, एज्यूमिथ बताना आप लोगों को, एज्यूमिथ क्या होगा, सब लोग आंसर बताएंगे। ट्रू बियरिंग आपको गिविन है, ट्रू बियरिंग, ठीक है। आप कहोगे सर ये ट्रू बियरिंग इससे भी अलग कोई बियरिंग होती है क्या, कोई फॉल्स बियरिंग भी होती है क्या, यहाँ पे सी आंसर आ रहा है। अभी वर्मा जी का सी आंसर आ रहा है, देखो ट्रू बियरिंग दे रखी है, तो सर इसका मतलब ट्रू मतलब होगी अच्छी वाली, यानी कि जो सच्ची बियरिंग होती है वो हो गई, और एक होगी फॉल्स बियरिंग, तो एक कोई फॉल्स बियरिंग भी होती है क्या, झूठी वाली भी होती है क्या, कोई गलत वाली नहीं भाई। देखो ट्रू बियरिंग समझेंगे क्या होती है, सारी चीज़ें समझेंगे। 39 का डी आ रहा है रंगनाथ जी का, विपिन कुमार जी का आंसर सी आ रहा है। देखो भाई मैं आप लोगों को बता दूं ना, इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है इस क्वेश्चन में, इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। आप कहोगे सर आप कैसे कह दे रहे हो इतनी बड़ी बात पे, कोई सा भी आंसर सही नहीं है, यहाँ तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक ने आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप कह रहे हो कि कोई सा भी आंसर सही नहीं है। तो देखो भाई इसमें क्या है ना, आपका एक डेटा क्या है मिस है, एक डेटा क्या है मिस है। देखो सब लोग समझेंगे क्या क्वेश्चन में मिस है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें। तो देखो एक मिनट आ जाओ, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आप बियरिंग समझ लो, एज्यूमिथ समझ लो, एज्यूमिथ और बियरिंग क्या होती हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं। एज्यूमिथ आप एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि एज्यूमिथ क्या होता है। यहाँ पे देखो, एज्यूमिथ आर डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल एंगल दैट आर मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस मेरिडियन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गाइस आपकी जो भी आपने रेफरेंस लाइन ली है ना, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि रेफरेंस मेरिडियन कैसे लेते हैं अर्थ पे। कोई भी एक रेफरेंस मेरिडियन लेकर के अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एंगल को अगर मेजर्ड करते हो, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल क्या कहलाता है गाइस, आपका हॉरिजॉन्टल एंगल क्या कहलाता है, एज्यूमिथ कहलाता है, ठीक है। जो भी आपका क्या होगा एंगल आप मेजर करोगे रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा आपका, एज्यूमिथ हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, हाँ तो उसके बारे में बात करेंगे। मीना चौधरी का आंसर डी आ रहा है। देखो अभी रुको, एज्यूमिथ आर यूज्ड इन कंपास सर्वे, प्लेन सर्वे, वेयर इट इज़ जनरली मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। गाइस जनरली जो आपका एज्यूमिथ होता है वो कहाँ से मेजर करते हो, आप नॉर्थ एक्सिस से मेजर करते हो, ठीक है। बट एज्यूमिथ आर मेजर्ड फ्रॉम द साउथ बाई एस्ट्रोनोमर्स एंड द मिलिट्री। गाइस जनरली क्या होता है, जो हमारे मिलिट्रीज होती है ना, जो फोर्सेज होती हैं और जो एस्ट्रोनोमर्स होते हैं, एस्ट्रोनोमर्स मतलब समझ रहे हो, जो क्या करते हैं आपका जो वो होता है ना स्पेस वगैरह उसमें उसकी स्टडी करते हैं या उसके इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग जो मेजर करते हैं ना एज्यूमिथ को, वो साउथ पोल से मेजर करते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं इंजीनियर्स, हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ से, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है एज्यूमिथ में, और एज्यूमिथ से रिलेटेड मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। ये जो होता है ना हमारा एक तरीके की होल सर्किल बियरिंग होती है, ठीक है। आप कहोगे सर ये होल सर्किल बियरिंग क्या है, तो इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। एक होल सर्किल बियरिंग होती है गाइज, और एक आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है, ठीक है। दो तरीके की बियरिंग हमारे पास होती है। तो ये जो आपका एज्यूमिथ होता है ना वो होल सर्किल बियरिंग होता है। कैसा होता है गाइज? होल सर्किल बियरिंग होता है। हाँ हो सकता है आपका, बिल्कुल। रूपम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाइज, स्वागत है रूपम जी का, स्वागत करेंगे एक बार। ये हमारे साथ नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनका स्वागत करेंगे सब लोग, ठीक है। देखो WCB और मैंने आपको बता दिया गाइज, जो आपका जो एज्यूमिथ होता है वो क्या होता है आपका WCB में होता है, ठीक है। होल सर्किल बियरिंग में होता है आपका, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो जो आपका एज्यूमिथ होता है, ये एज्यूमिथ होता है, देखो यहाँ पे समझेंगे सब लोग। जो आपका एज्यूमिथ होता है ना, एज्यूमिथ जो होता है ये आपका जो मेजर करा जाता है ना वो मैग्नेटिक बियरिंग से मेजर करा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखोगे। आप कहोगे सर ये मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, हमें कुछ समझाओ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, देखो सबसे पहले इस डायग्राम को देखेंगे सब लोग। हमने क्या करा, चार एक्सिस ले ली, जो हम एक्सिस लेते हैं जनरली वही हमने ले ली। तो जो ऊपर वाली एक्सिस है वो तो हमारे पास ट्रू नॉर्थ हमने लिया। ट्रू नॉर्थ क्यों लिया अभी बताऊंगा, आप सब ये समझो बस, ट्रू नॉर्थ हमने लिया है, ठीक है। ये जो लिया हमने ट्रू साउथ लिया है, ठीक है। ये जो लिया हमने ट्रू साउथ लिया है, और ये जो हमने लिया ट्रू ईस्ट लिया है, और ये जो हमने लिया वो ट्रू वेस्ट लिया है, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, सही है। अब देखो होता क्या है, ये सारी की सारी एक्सिस हैं तो अर्थ के ऊपर ही ना, अर्थ के ऊपर ही तो हमने कंसीडर करी है। अब देखो जब आप रीडिंग लेने के लिए जाते हो, कहीं सर्वे करने के लिए जाते हो, तो ऐसा होता है कि उस एरिया में कहीं ना कहीं क्या होता है आपके पास, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं उस एरिया में। क्या होता है कहीं ना कहीं, देखो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर क्या होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल होती हैं जो क्या करती हैं, मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि वहाँ पर कोई वायर्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी लोहे की कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं अभी वर्मा जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो इफेक्ट करती हैं हमारी मैग्नेटिक निडल को, जो कंपास की निडल होती है, ठीक है, उसको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो होता क्या है, हमारे पास एक लाइन थी, ये हमने लाइन ले ली AB की हमको क्या दे रखी थी, यहाँ पे बियरिंग दे रखी थी, क्या दे रखी थी, ट्रू बियरिंग। तो गाइस देखो जब भी आपको ट्रू बियरिंग दे करके रखेगा ना वो क्वेश्चन में, तो आप लोगों को ट्रू नॉर्थ से मेजर करनी, कहाँ से मेजर करनी, ट्रू नॉर्थ से, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ से आप लोग क्या करोगे, जब मेजर करोगे ना ट्रू नॉर्थ से, तो ट्रू नॉर्थ से जो आपकी इस लाइन की जो बियरिंग है हमको दे रखी, कितनी दे रखी, 269°30' हमको दे रखी, सही है। अब देखो उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे एज्यूमिथ पूछा है गाइस। तो जब भी उसने हमसे एज्यूमिथ पूछा है ना, तो एज्यूमिथ का मतलब हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ मैंने लिया है ना, जो मैग्नेटिक निडल की वजह से आया था, कुछ डिफ्लेक्शन हो गया था, तो इस मैग्नेटिक नॉर्थ से लेकर के आपको जब इस लाइन तक की वो एंगल निकालोगे ना, तो वो आपके पास क्या आएगा, एज्यूमिथ आएगा। वो आपके पास क्या आएगा, एज्यूमिथ आएगा। एज्यूमिथ क्यों आएगा सर, क्योंकि एज्यूमिथ जो होता है ना वो आपकी होल सर्किल बियरिंग होती है, जो आपकी कहाँ से मेजर करी जाती है, वो आपकी मेजर करी जाती है गाइज मैग्नेटिक नॉर्थ से। कहाँ से मेजर करी जाती है, मैग्नेटिक नॉर्थ से, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करी जाएगी एज्यूमिथ होगी, और होल सर्किल बियरिंग में होगी। तो आपको अगर ये निकालना था एज्यूमिथ, अगर आपको निकालना था, तो गाइज आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, डिक्लिनेशन पता होना चाहिए। ये क्या पता होना चाहिए, डिक्लिनेशन पता होना चाहिए। क्यों, देखो आपको ये सारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की पता थी, ठीक है। आपको मैग्नेटिक नॉर्थ से ये डिस्टेंस चाहिए थी, तो आपको ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी नहीं इसमें से, जो डिक्लिनेशन हमारा होता है, ये डिक्लिनेशन आपको माइनस करना पड़ेगा ट्रू बियरिंग में से, तब जा करके हमारी क्या आएगी, मैग्नेटिक बियरिंग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सर यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा सर, ट्रू बियरिंग इजिकल टू जो होता है वो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। बिल्कुल भाई नेटवर्क प्रॉब्लम करने लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट सही हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। जो आपका ट्रू बियरिंग होता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। तो अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग निकालना है, ये आपको निकालना है, ट्रू बियरिंग आपको पता है, तो ये डिक्लिनेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपका डिक्लिनेशन जो है वो मिस है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये डाटा आपको पता होता तो आप निकाल लेते। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये बताओ कि डिक्लिनेशन क्या होता है, पहले ये तो बता दो डिक्लिनेशन क्या होता है। तो भाई मैं डिक्लिनेशन आपको बता देता हूँ, जो आपका ट्रू नॉर्थ था ना और जो मैग्नेटिक नॉर्थ था उसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, डिक्लिनेशन होता है। आप कहोगे सर क्या केवल डिक्लिनेशन जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रॉन्ग होगा आपकी निडिल उसी तरफ क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब जल्दी से थम्स अप करके बताओ क्लियर है या नहीं, क्वेश्चन में क्या मिस है और किस लिए हम नहीं निकाल पा रहे हैं मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। ट्रू बियरिंग हमको दे रखी है लेकिन हमारे पास डिक्लिनेशन नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इसलिए हम नहीं निकाल सकते, ठीक है।
जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता दो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के पास आ गया होगा, इन द प्रिज्मेटिक कंपास। गाइज प्रिज्मेटिक कंपास आप लोगों को बताना है, प्रिज्मेटिक कंपास को लेकर के इनमें से कौन सा पॉइंट आपके पास सही है। हाँ बिल्कुल, अभी वर्मा जी कह रहे हैं बेस्ट डायरेक्शन निगेटिव होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे नहीं, ठीक है बिल्कुल, हाँ एक बार देखो काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि क्वेश्चन में क्या मिस है और किस लिए हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम करने लग जाते हैं और हमारे पास जो डाटा होता है वो अन अवेलेबल होता है, ठीक है, या एनफ नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर करो, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है गाइस वो आपका कैसा होता है, सब लोग आंसर करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। प्रिज्मेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, बॉक्स के साथ मूव करती है, नहीं ये तो उसमें मूव करती है हमारी सर्वेयर कंपास में। द लाइन ऑफ द साइट डज नॉट मूव विद द बॉक्स, यहाँ पे सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राजीव जी का भी, राकेश मीना जी का भी, पंकज जी का भी, बिल्कुल भाई इसका जो सही आंसर है ना आपका प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है ना उसकी जो मैग्नेटिक निडल होती है ना वो क्या होती है, ग्रेजुएटेड होती है, ग्रेजुएटेड सर्किल डू नॉट मूव विद बॉक्स, ठीक है। और इसकी जो ग्रेजुएटेड आपकी जो सर्किल होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, मूव नहीं करता है, ठीक है, बॉक्स के साथ जो है ये मूव नहीं करता है। और मैग्नेटिक निडल हो चाहे आपका ग्रेजुएटेड सर्किल हो, ठीक है, ये आपका क्या करता है, मूव नहीं करता है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अलग से आपका होता है, जो नीचे वाला बॉक्स होता है वो तो मूव करता है, लेकिन आपका जो ग्रेजुएटेड जो सर्किल होगा और या आप ये कह सकते हो निडल होगी आपकी या मैग्नेटिक निडल होगी वो मूव नहीं करती है, ठीक है। सतीश पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल, हेलो सतीश पाल जी, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलो एक बार दिखाता हूँ आपको कैसा होता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड पहले पॉइंट देख लो, ठीक है। कुछ गाइस जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है यहाँ पे आप देखो, ग्रेजुएशन सर्किल इज फिक्स्ड, यही तो हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि आपका जो ग्रेजुएशन सर्किल होता है, ग्रेजुएटेड सर्किल होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। डब्ल्यू सी बी के लिए होल सर्किल बेयरिंग में यूज करते हैं गाइस, ठीक है। इट विल नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट, और ये क्या होता है गाइस आपकी जो लाइन ऑफ साइट होती है ना जिसकी हेल्प से हम देखते हैं उसके साथ ये रोटेट नहीं करता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है। मैंने आप लोगों को ये अभी बताया था, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसमें ब्रॉड टाइप निडल होती है, कैसी होती है, ब्रॉड टाइप मतलब चौड़ी निडल होती है आपकी, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और गाइस इसमें होता क्या है, प्रिज्म लगाया जाता है आपका, ठीक है, कैसा लगाया जाता है, प्रिज्म लगाया जाता है। देखो इस प्रिज्म की खास बात बताता हूँ मैं आपको, आप सोच रहे हो कि सर प्रिज्म लगाया जाता है इसलिए उसको प्रिज्मेटिक कह दिया, हाँ भाई बिल्कुल सही आप सोच रहे हो कि आपने उसमें प्रिज्म यूज करा है इसलिए आपने उसको क्या कह दिया, प्रिज्मेटिक कह दिया आपने, इसलिए उसको क्या कह दिया, प्रिज्मेटिक आपने उसको कंपास कह दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये प्रिज्म जो यूज करा जाता है ना, ये यूज करा जाता है कि जो आप देखते हो ना उससे वो इन्वर्ट चीज़ें दिखाता है, जो आपका कंपास होता है वो इन्वर्ट चीज़ें दिखाता है, मतलब उल्टी दिखाता है, लेकिन प्रिज्म की हेल्प से हम उनको क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, इसलिए हम उसमें प्रिज्म यूज करते हैं, ठीक है। अगर कभी मौका मिला ना तो एक क्या करूँगा, आपका GIF प्रिपेयर करके या शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करके ना, और जो आपका सर्वेयर कंपास और ये होते हैं ना दोनों प्रिज्मेटिक कंपास, उन दोनों में क्या होगा, बेसिक सा डिफरेंस लेके आऊँगा विद डायग्राम अच्छे से, ठीक है। और साथ ही गाइस यहाँ पे देखो, जो आपका साइटिंग एंड रीडिंग होता है कैन बी डन बाय साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक साथ कर सकते हो, साइट भी कर सकते हो और रीड भी, दोनों एक साथ कर सकते हो आप, ठीक है। और जो गाइस आपकी मैग्नेटिक निडल होती है वो कैसी होती है, कि इंडेक्स होती, ग्रेजुएटेड होती, सॉरी डू नॉट एक्ट एज इंडेक्स, इंडेक्स की तरह नहीं होती वो, बल्कि क्या होती है, ग्रेजुएटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ग्रेजुएशन आर इन द होल सर्किल बियरिंग, और इसमें जो आप रीडिंग लेते हो वो कैसे लेते हो, होल सर्किल बियरिंग में। यहाँ पे बफर कर रहा है सर, रियली बफर कर रहा है, बताओ यार बफर कर रहा है क्या, सब लोग बताओ जरा एक बार, रिफ्रेश करके बताओ बफर कर रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रहा आपके पास जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ठीक है। सो गौरव जी कह रहे हैं सर नहीं कर रहा है यार, कुछ बोल रहे हैं बफर कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपके लाइन ऑफ साइट्स होती हैं, यहाँ पे देखो इनका यूज़ करते हैं हम साइट्स के लिए, जिनको आप वेन्स बोलते हो, ठीक है। अब ये दो तरीके की वेन्स होती हैं आपके पास, एक तो ऑब्जेक्ट वेन होती है जिसको गाइड वेन भी बोलते हैं, एक आपके पास आई वेन होती है, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। ग्रेजुएटेड नंबर बनाने होते हैं, नहीं नहीं ग्रेजुएटेड का मतलब होता है रीडिंग, ग्रेजुएटेड का मतलब होता है गाइस रीडिंग, उसी से हम रीडिंग लेते हैं, ग्रेजुएटेड होती है रीडिंग उस पर, ठीक है, उस तरीके से होता है आपका, ठीक है। ये आपका सर्कुलर बॉक्स होता है, जब आप रोटेट करते हो ना तो ये सर्कुलर बॉक्स आपका घूमता है, ठीक है। बाकी जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये मैग्नेटिक निडल है और ये आपके पास है, ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल अफरीद जी, आपका नेटवर्क स्लो हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके का होता है आपके पास प्रिज्मेटिक कंपास। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 41। फॉर अ लाइन ए बी, गाइस एक लाइन ए बी आपको दे रखी है, उसके लिए आपको बताना है कि फोर बियरिंग जो होगी आपके पास, फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफरेंस होता है आपका 180 डिग्री। अगर एक लाइन ए बी है आपके पास तो उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होगा, या फोर बियरिंग जो होगी आपकी लाइन ए बी की और बैक बियरिंग होगी लाइन बी ए की, उसका डिफरेंस 180 होगा। दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताओ।
यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, अभी वर्मा जी का, योगेश जी का भी आंसर ये आ रहा है, बाकी सब लोग भी आंसर करेंगे गाइस, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 41 का आंसर क्या होगा, सब लोगों के आंसर आने चाहिए, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। अब आपके लिए फिर से नए टर्म आ गए सर, फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, पहले हमको ये बताओ तब हम आंसर करेंगे। बिल्कुल, मुकेश जी का भी आंसर है, रंगनाथ जी का भी, सतीश पाल जी का भी आंसर ए आ रहा है, या फिर रंगनाथ जी का आंसर सी आ रहा है, दोनों सही होंगे, दोनों कैसे सही हो जाएंगे यार, दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है, एक आप ए से बी पे जा रहे हो और एक तरफ आप बी से ए पे आ रहे हो, समझ रहे हो। 41 का सी आ रहा है, पंकज जी का, अफरीद जी का भी सी आ रहा है, गौरव जी का ए आ रहा है। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, पहले हम समझेंगे मेजरमेंट इन कंपास सर्वे, कि कंपास सर्वे जो होता है उसमें आप मेजरमेंट कैसे करते हो। तो एक आपके पास फोर बियरिंग होती है, एक आपके पास बैक बियरिंग होती है, ठीक है। तो आप पहले समझो कि फोर बियरिंग क्या होती है। पंकज जी कह रहे हैं सर दोनों ठीक हैं, चलो अभी देख लेते हैं कौन कौन से ठीक हैं, ठीक है। एक देखो, आपके पास फोर बियरिंग है गाइस, फोर बियरिंग का मतलब होता है कि आपके जो मेजरमेंट आपके लिए जाएंगे फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि आपने एक स्टेशन से दूसरे में जो आपका बराबर में स्टेशन है आप वहाँ तक की क्या लोगे, रीडिंग लोगे, ठीक है, वहाँ तक आप मेजर करोगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो आपका ये होता है ना, जो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हो, मान लो इस स्टेशन से इस स्टेशन पे आप जा रहे हो, इस ए से बी पे जा रहे हो, तो ये आपकी हो जाती है फोर बियरिंग, ये वाली, ठीक है, ये क्या हो जाती है आपके पास, फोर बियरिंग हो जाती है। और बैक बियरिंग की अगर आप बात करोगे तो बैक बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे गाइस कौन सा होता है, प्रीवियस स्टेशन होता है, और यहाँ पे जो होता है आपके पास वो कौन सा होता है, नेक्स्ट स्टेशन होता है, ठीक है। बिल्कुल सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेशन होता है और इसमें जो रीडिंग होती है वो प्रीवियस स्टेशन होती है। कैसे होती है, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो गाइस, ये आपके पास क्या ए है, ए वाला पॉइंट है, और ये वाला क्या आपके पास बी वाला पॉइंट है। बलराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग बलराम जी, स्वागत है आपका, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये आपके पास क्या ए वाला पॉइंट है, ए वाला स्टेशन है, ये बी वाला स्टेशन है, ठीक है। तो हमने एक लाइन ले ली ए से बी तक, यहाँ पे आप देख रहे होगे सब लोग, ए से बी तक हमने लाइन ले ली गाइस। जब हम ए से बी तक हमने लाइन ले ली, और हम कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ए से बी की ओर जा रहे हो, जब गाइस आप ए से बी की ओर जा रहे हो ना, तो आपके पास फोर बियरिंग जो हो जाएगी वो थीटा ए हो जाएगी, और बैक बियरिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा बी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आप ए से बी पे जाएंगे तो फोर बियरिंग क्या हो जाएगी, थीटा ए, और बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, थीटा बी। वहीं पर अगर आप मान लो क्या हो रहे हो, बी से ए की तरफ आ रहे हो, किस तरफ आ रहे हो, बी से ए की तरफ आ रहे हो, ठीक है। जब बी से ए की तरफ आप आ रहे हो गाइस, तो बी से ए की तरफ जब आप आओगे तो आप देखोगे आपके पास जो फोर बियरिंग हो जाएगी ना, फोर बियरिंग वो कितनी हो जाएगी, थीटा बी। फोर बियरिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा बी, और बैक बियरिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपके पास फोर बियरिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा बी हो जाएगी, थीटा ए हो जाएगी फोर बियरिंग, और बैक बियरिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा ए हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, क्वेश्चन में आ जाओ अब, ठीक है, आप लोगों का अभी डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ पे पूछा था कि एक लाइन है आपके पास ए बी, आपको बताना है कि फोर बियरिंग जो होगी ए बी लाइन की, और बैक बियरिंग जो होगी ए बी लाइन की, उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप ए पॉइंट है आपके पास ये, ठीक है, ए पॉइंट है आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या ए पॉइंट है, और ये क्या है आपके पास बी पॉइंट है। अब ए से बी पे जा रहे हो, आप कहाँ पर जा रहे हो, ए से बी पर, ठीक है। हाँ, एक बार लाइक कर दो यार, ठीक है, सब अभी वर्मा जी बोल रहे हैं, एक बार लाइक कर दो, के टी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। तो आप क्या कर रहे हो, फोर लाइन ए बी, ए बी के लिए आप देखो, ठीक है। अब एक मिनट समझ लो सब लोग, ए से बी की ओर देखो, आप ए से बी की ओर जा रहे हो, तो गाइस यहाँ पे फोर बियरिंग थीटा ए हो जाएगी, बैक बियरिंग थीटा बी हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए गाइस वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये बात तो हमारे पास बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आ जाता है कि एक लाइन के लिए आपका जो फोर बियरिंग होगा, बैक बियरिंग होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो, द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ए बी लाइन की फोर बियरिंग, और बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी ए। तो यहाँ पे गाइज आपका देखो, यहाँ पे देखो, एक तरफ तो आप जा रहे हो भाई, यहाँ से ए से जा रहे हो बी पे, ए से जा रहे हो बी पे, तो इसकी फोर बियरिंग तो आपको पता है इस लाइन की ए बी। लेकिन जब बी से ए पे आओगे तो इधर से इसकी क्या होगी, बैक बियरिंग होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो फोर बियरिंग है वो इसकी बैक बियरिंग, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। एक तरफ तो आप इधर से जा रहे हो, एक तरफ आप इधर से जा रहे हो, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका डिफरेंस 180 हो, समझ रहे हो। एक लाइन तो आपकी बी से ए तक जा रही है, एक लाइन ए से बी तक जा रही है, ठीक है। तो इस केस में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका यही हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही नहीं होगा, ठीक है। आपका बी सही हो सकता था, ठीक है, आपका बी सही हो सकता था। किस केस में हो सकता था,
ये चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बी सही हो सकता था एक केस में, चलो बताऊंगा, इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको फोर बियरिंग बैक बियरिंग बता दिया, और किस केस में आपको फोर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 होगा वो भी आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। लेकिन यह दोनों केस में आप लोगों को दे रखें, एक तरफ आप ए से बी पे जाओगे, एक तरफ बी से ए पे जाओगे, ठीक है। दोनों केस आप लोगों को समझा रखें। इस केस में अगर वो बी से ए पे आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस 180 होगा, और अगर ए से बी पे जा रहे हो तो इन दोनों का डिफरेंस 180 होगा, ठीक है। कभी भी इसकी फोर बियरिंग और इसकी बैक बियरिंग का जो है डिफरेंस 180 नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ही केस में होगा, चाहे तो आप ए से बी पे जाओ तो आपका थीटा ए माइनस थीटा बी का डिफरेंस 180 होगा, ठीक है। और जब आप बी से ए की तरफ आ रहे होगे तो तब आपका थीटा बी माइनस थीटा ए का डिफरेंस 180 होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी इन दोनों का डिफरेंस 180 नहीं होगा, ठीक है। एक लाइन पे एक ही टाइम में डिफरेंस 180 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन, हाँ तो बहुत टाइम से आप डिफरेंस लिख रहे थे, 180 डिफरेंस लिख रहे थे फोर बियरिंग बैक बियरिंग का। इस क्वेश्चन का आंसर करो, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे मे बी एग्जिस्ट ड्यू टू, गाइज लोकल अट्रैक्शन बताना है कंपास सर्वे में वो किस वजह से आता है आपका, ठीक है। जल्दी से बताओ जो लोकल अट्रैक्शन आता है वो किस वजह से आता है। के टी सिंह का आंसर डी आ रहा है, राकेश जी का भी आंसर डी आ रहा है, अभिषेक शर्मा जी का भी आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल। लोकल अट्रैक्शन जो आता है आपका कंपास सर्वे में वो किसकी वजह से आता है, जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे गाइस। इनकरेक्ट, लेवलिंग की वजह से आता है, या लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म की वजह से आता है, फ्रैक्शन ऑफ निडिल एट पाईवुड की वजह से आता है, डी योगेश जी का भी, मुकेश जी का भी, बिल्कुल गाइस सभी लोगों का आंसर मेरे पास डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो हमारे गाइस लाइव का जो लाइव करने का जो पर्पज़ होता है, या आप लोगों का जो इसका फ़ायदा होता है लाइव क्लास का, वो यही फ़ायदा मिलता है। देखो आप जब लाइव करते हो ना तो आप क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो, ठीक है। आप देख पाते हो कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हो, बिल्कुल। दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है दिवाकर जी आपका, बिल्कुल। अफरीद जी का भी आंसर डी आ रहा है। तो देखो भाई, जो आपका लोकल अट्रैक्शन होता है ना, लोकल अट्रैक्शन उसका मतलब होता है कि लोकल अट्रैक्शन जो आपका आता है कहीं पर भी, वो किसकी वजह से आता है, मैग्नेट की वजह से आता है। अगर वहाँ पर आपकी मैग्नेट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आपका लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जो मैग्नेटिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक साउथ मिलता है ना, वो इसी की वजह से मिलता है, ठीक है। चलो हाँ, एक बार देख लेते हैं, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, परेशान मत हो, सारा कंटेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो लोकल अट्रैक्शन, गाइस लोकल अट्रैक्शन लिखा हो, लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक निडल मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स लाइक जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर हो गई, या फिर आपका क्या हो गया बल्क आयरन हो गया, या एनी अदर कोई भी मैग्नेटिक चीज़ होगी, ठीक है। उस मैग्नेटिक चीज़ की वजह से जो आपका होता है, या बिल्कुल रेनफोर्समेंट भी आपकी होती है, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है आपका जो आपका लोकल अट्रैक्शन आता है, ठीक है। और गाइस लोकल अट्रैक्शन में होता क्या है, ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक निडल विल बी डिफ्लेक्ट, आपकी जो मैग्नेटिक निडल होती है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक नॉर्थ होता है डायरेक्शन, वो हमको नहीं मिल पाती, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल। एक बार लाइक कर दो भाई सब लोग, देखो वीडियो को लाइक कर दो। देखो आपका ये क्या था, ट्रू नॉर्थ मैंने आपको बताया था, ये ट्रू साउथ बताया था, ये आपका ईस्ट बताया था ट्रू, और ये ट्रू वेस्ट बताया था। अब देखो अगर कहीं पर लोकल अट्रैक्शन है तो आपकी ये निडल होगी ना वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि बात पूछने की, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, केटी सिंह आगे से नहीं मिलेगा, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, आपकी हम समझ गए, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा। अब आपको लोकल अट्रैक्शन पता चल गया। अब देखो कोई भी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर देखो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना 180 आ गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उस स्टेशन पर आपका कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, और किसी वजह से अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आता है तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो होता है ना गाइस, जो आपका फोर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 आ गया, मतलब कोई भी अट्रैक्शन नहीं है वहाँ पर, वहाँ पे कोई भी आपका मैग्नेटिक ऐसा कोई भी सिस्टम कोई भी मतलब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 180 नहीं आता है किसी वजह से तो लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इफ़ द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्किल बियरिंग ऑफ द लाइन, गाइज आपको होल सर्किल बियरिंग बतानी है, WCB बतानी है क्या होगी, अगर आपके पास क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको दे रखी है, क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग आपको दे रखी है कितनी, नॉर्थ 25 डिग्री थ्रू वेस्ट। सब लोग आंसर करेंगे गाइज, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। के टी सिंह का आंसर सी आ रहा है, अफरीद जी का भी आंसर, अफरीद जी चलो कोई नहीं, हम बताएंगे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, आप परेशान मत हो, ठीक है, कल से नहीं होगा, ठीक है, मैं चलो छोड़ो।
अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है? सब लोग आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे, ठीक है? बात नहीं करेगा कोई भी। इफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग, गाइज आप क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है, ठीक है? योगेश जी का आंसर सी आ रहा है, बलराम जी का आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सब लोगों का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, सी आ रहा है गाइज। होल सर्किल बियरिंग जो हो जाता है आपके पास 335 डिग्री हो जाता है। सब लोग आंसर करो जल्दी से, सब लोग आंसर करेंगे होल सर्किल बियरिंग में कितना होगा, बाकी लोग भी आंसर करेंगे गाइज। एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। मुकेश मीना जी का, अभि वर्मा जी का भी 335, योगेश जी का भी, बिल्कुल सी, बिल्कुल गाइस सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? देखो इसको हम समझते हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो गाइस हमारे पास जो होता है ना, आपके पास जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है या रिड्यूस बियरिंग होता है, वो दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है? अच्छा एक ही चीज़ होती क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझना उससे अलग जो आपके पास होता है, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है, वो आपके पास होता है होल सर्किल बियरिंग। देखो गाइस ये हमारे पास निडल्स, ये हमारे पास क्या होती हैं, जो हमारे मैग्नेटिक, जो हमारे नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो देखो जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी एंगल हमको मेजर करना होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल एंगल हमको मेजर करना होता है, तो अगर हम क्या करते हैं नॉर्थ से रीडिंग लेते हैं, सबकी सब नॉर्थ से रीडिंग लेते हैं, तो वो तो आती है हमारी होल सर्किल बियरिंग में, ठीक है? और अगर आप क्या करते हो, जो आपके पास नॉर्थ या फिर साउथ पोल से, नॉर्थ या साउथ पोल से अगर आप रीडिंग लेते हो, अगर मान लो नॉर्थ से ले रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, वहीं पे अगर आप साउथ से डायरेक्शन ले रहे हो ईर्थ ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है? तो ये जो आपकी रीडिंग होती है ना, ये आपके पास आती है क्वाड्रेंटल बियरिंग में या रिड्यूस बियरिंग में, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि सर आपके पास जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है ना, वो कितनी दे रखी है, नॉर्थ 25 डिग्री से वेस्ट दे रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको पता चल गया सर क्वाड्रेंटल बियरिंग, अभी आपने बताया कि नॉर्थ से मेजर करेंगे या साउथ से मेजर करेंगे, तो आप नॉर्थ से मेजर कर रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो, वेस्ट तक जा रहे हो। तो बिल्कुल हमने क्या करा, नॉर्थ से चले हम और कहाँ तक आगे, वेस्ट तक आगे, कितने डिग्री चले, 25 डिग्री चले, तो हमको एक लाइन मिल गई, ठीक है? क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई। इस लाइन की हमको होल सर्किल बियरिंग बतानी कितनी होगी। तो देखो कितना तो आसान है यार, हमको पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है सर, 360 डिग्री का होता है। बिल्कुल मीना चौधरी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? तो गाइज आप क्या करो, पूरे 360 में से क्या करो, इस 25 को माइनस कर दो, तो आपके पास यही तो एंगल बचेगा। तो बस वही हमने करा है, 360 डिग्री एंगल में से 25 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, होल सर्किल बेयरिंग आ गई, ठीक है? चलो सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। हाँ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यार आप लोग, ठीक है, बीच बीच में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन बी सी इज 15 डिग्री। गाइज आपसे कह रहा है कि एक फोर बियरिंग आप लोगों को दे रखी है, कि आपके पास जो फोर बियरिंग है, ठीक है, एक लाइन की जो फोर बियरिंग है आपके पास वो कितनी है, 35 डिग्री है, ठीक है, और बैक बियरिंग जो है वो कितनी है, 15 डिग्री है। सॉरी 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 गाइज, फोर बियरिंग जो है लाइन की, ए बी लाइन की 35 डिग्री है, बी सी लाइन की 15 डिग्री है, तो आपको इंक्लूड एंगल बताना है दोनों लाइन्स के बीच का, इंक्लूड एंगल कितना होगा। सब लोग गाइज आंसर करके बताएंगे कि इंक्लूड एंगल कितना होगा, ठीक है? केटी सिंह का आंसर 160 डिग्री आया, सब लोग, ठीक है, बात नहीं करेंगे अफरीज जी, ठीक है, पंकज जी बात नहीं करेंगे, बस आंसर करने पे फोकस करेंगे कि इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ए बी लाइन की फोर बियरिंग 35 डिग्री दे रखी है, बी सी लाइन की फोर बियरिंग आपको 15 डिग्री दे रखी है, तो इंक्लूड एंगल आप लोगों को बताना है। समझाओ सर, पंकज जी कह रहे हैं समझाओ, हाँ बिल्कुल अभी समझाएंगे, सब लोग आंसर करो, बाकी अभि वर्मा जी का आंसर आ चुका है, देखो आंसर करो, ठीक है, कोशिश करो करने की, जो लोग भी कर पा रहे हैं सब लोग कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, ये क्या कह रहा है। देखो गाइस दो तरीके के एंगल हमारे पास पास होते हैं, एक तो हमारे पास इंक्लूड एंगल होता है, दूसरा हमारे पास एक्सक्लूड होता है। कौन सा होता है, एक्सक्लूड होता है, बिल्कुल मीना चौधरी का आंसर सी आया है, बलराम जी का, योगेश जी का, बिल्कुल सही है गाइस, जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है ना उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, 160 डिग्री आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, देखो अगर मान लो कि इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल था, ठीक है, आप ए से चले बी पे गए और बी से चले सी पे आए, ठीक है, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ए से चले बी पे गए, बी से सी पे आए, ठीक है, तो दो तरीके के एंगल होते हैं, एक इंक्लूड एंगल होता है, एक एक्सक्लूड एंगल होता है, एक इंक्लूड एंगल होता है, एक एक्सक्लूड एंगल होता है। तो गाइस जब ए से चल रहे हो आप और कहाँ पर आ रहे हो, सी पे जा रहे हो, ठीक है, ए से चले बी पे, बी से सी पे, तो आपके पास ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ना, मुकेश मीना जी का बिल्कुल सही है, ये जो एंगल बनेगा ना, ये आपके पास हो जाएगा इंक्लूड एंगल। कौन सा हो जाएगा, इंक्लूड एंगल। और जो आपका बाहर वाला एंगल होगा ना, बाहर का जो एंगल होगा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा एक्सक्लूड एंगल। बाहर वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड एंगल। आप कहोगे सर अगर मान लो कि इस तरीके की सिचुएशन होती, कि हम मान लो ए से चले बी पे गए और यहाँ फिर यहाँ पे सी पे गए, इस तरीके से होते तो अब इंक्लूड कौन सा होता, तो देखो तब इंक्लूड ये वाला एंगल हो जाता, ठीक है, तब इंक्लूड एंगल जो हो जाता है वो ये वाला हो जाता है, तो क्योंकि आप ऐसे आकर के ऐसे जा रहे हो तो अंदर वाला एंगल ये होगा, ठीक है, और तब एक्सक्लूड आपका ये वाला हो जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर वाला, इंक्लूड का मतलब होता है अंदर वाला, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो
यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप क्या करो, ए से बी तक जा रहे हो, तो ए से बी तक जा रहे हो तो आपके पास फोर बेयरिंग कितना 35 डिग्री है। तो हमने कहा बिल्कुल सर, हमने 35 डिग्री पे एक फोर बेयरिंग पे एक लाइन ले ली ए बी, ठीक है ले लिया। चलो उसके बाद उसने कहा कि आप बी पॉइंट पर पहुँच गए हो, अब बी से सी पर जाओ जिसकी फोर बेयरिंग आपको 15 डिग्री लेनी है। हमने कहा ठीक है चलो बी से सी पर जाते हैं। हमने बी से सी पर गए और जो फोर बेयरिंग ले ली वो कितनी ले ली, 15 डिग्री हमने ले लिया। चलो सर पहुंच गए, अब इनमें से बताओ कि आपका कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा एक्सक्लूड होगा। तो भाई आप ऐसे आए और ऐसे गए तो आपके पास इंक्लूड एंगल ये वाला होगा नहीं अंदर वाला, और एक्सक्लूड एंगल ये बाहर वाला होगा। तो आपको क्या बताना है, इस कंप्लीट एंगल को बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ये आपके पास इंक्लूड एंगल है, ये आपको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो इसे निकालने का तरीका कितना आसान है, यहाँ पर आ जाओ। ये देखो ये एंगल आपको दिख रहा है 35 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 35 होगा। ये एंगल क्या होगा 35 होगा ना, जो आपके पास वो लगाते हैं ना ज्योमेट्री, जो लगाते हो आप इस तरीके वाली ज्योमेट्री होती है ना कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो वही वाली प्रोसेस है कि अगर जितना एंगल ये आपका 35 है ये भी आपका क्या होगा 35 होगा, ठीक है। अब 35 ये एंगल होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद पूरा कितना है 90। जब आप 90 में से 35 माइनस करोगे, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब आप 90 में से 35 माइनस करोगे तो आपके पास गाइस कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। जब आपके पास आ जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला एंगल, ठीक है, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल आपके पास कितना आएगा 55 डिग्री आएगा, ठीक है, और ये वाला कितना है 90 डिग्री, तो प्लस कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 15 डिग्री ये वाला है। तो जब सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास बिल्कुल केटी सिंह का आंसर बिल्कुल सही आया सर, 55 ये जोड़ दो, 90 ये जोड़ दो, 15 ये जोड़ दो, तो 160 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं किस तरीके से करा है, दोनों तरीके के एंगल बता दिए, इंक्लूड क्या होता है और एक्सक्लूड क्या होता है, और फिर हमको ये वाला एंगल हमारा इंक्लूड था तो ये हमने निकाला किस तरीके से, ठीक है। पूरा 35 था बिल्कुल इंक्लूड एंगल, हाँ लेस देन 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी वर्मा जी कह रहे हैं सर इंक्लूड एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इंक्लूड एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम रीजनिंग में भी फॉलो करते हैं। आप लोगों को याद रखना इसी कॉन्सेप्ट को, जब हम क्लॉक पढ़ते हैं ना क्लॉक, तो क्लॉक में कई बार पूछता है वो, ठीक है, बिल्कुल। मुकेश मीना जी का आंसर आ चुका है, थम्सअप आ गया है, चलो ठीक है बढ़े आगे फिर, चलो ठीक है। अच्छा गाइज एक बार बताओ, रीजनिंग के लिए मैं पूछ रहा था, कल रीजनिंग लेकर के आ रहा हूँ मैं, एक क्लास लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए रीजनिंग, ठीक है, कल दोपहर में क्लास लेकर के आ रहा हूँ 12 PM पे, 12 PM पे रीजनिंग की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। एक बार वो क्लास देखो, अगर आपको लगता है, अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आया और आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, रीजनिंग की, ठीक है, आप लोगों को लगे कि हाँ हमारे लिए सर क्लास बहुत अच्छी है, ठीक है, उस क्लास का शेड्यूल ये होगा कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, ये हम फॉलो करेंगे बस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, सीक्वेंस में, हाँ सीक्वेंस से ही चलेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। आईएएस के भी लेकर के आएंगे, आईएएस के परेशान मत हो, वो टेस्ट की फॉर्म में लेकर के आएंगे, अभी थोड़ा सा बस थोड़ा सा वेट करो, उसके लिए चल रही है प्रोसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम अ होल सर्किल बियरिंग इज, आपको गाइस होल सर्किल बियरिंग दे रखा है, हाँ फ्लो नहीं टूटेगा, ठीक है, वो ये जो फ्लो चल रहा है ना गाइस ये चलता रहेगा, लाइव क्लासेस का शेड्यूल चलता रहेगा, 8 PM 8 AM वाली 9 PM वाली क्लास ऐसे ही चलेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। क्वाड्रेंटल बियरिंग आप लोगों को बतानी गाइस कितनी होगी, क्वाड्रेंटल बियरिंग बतानी है अगर आपके पास होल सर्किल बियरिंग आपको ये गिवन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि हेमंत जी सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, हाँ हेमंत जी यार आप क्लास को लेट ज्वाइन करते हो, बिल्कुल सही बात है, मैं भी देख रहा हूँ, आप पहले बहुत रेगुलर हो रहे थे लेकिन अभी आप रेगुलर नहीं हो। तो हेमंत जी एक काम करा करो, आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास तो हमारी होनी है यार, अगर एक बार को आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है ना हेमंत जी, तो आप लोग आ जाया करो, ठीक है, क्लास तो हमारी होनी है, बिल्कुल। योगेश जी का आंसर बी आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर योगेश जी का 45 का कितना आ रहा है, बी आ रहा है। जो आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी गाइज वो कितनी होगी, नॉर्थ टू 66 डिग्री 30 मिनट वेस्ट होगी। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से करना है, आंसर बहुत कम आया है मेरे पास, बिल्कुल बी आंसर आपसे आ रहा है, पंकज जी का भी बिल्कुल नहीं, पंकज जी 40 नहीं होगा 30 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओ गाइस, आप लोगों को पता है कि होल सर्किल बियरिंग दे रखी, तो मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है कि नॉर्थ से हम लेते हैं ना गाइज, जब भी हम नॉर्थ से एंगल को मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, होल सर्किल बियरिंग होगा। तो अभी हमने होल सर्किल बियरिंग को हमने मेजर करा और वो कितना हमको दे रखा था, 293 डिग्री 30 मिनट दे रखा था। तो आपको पता है कि 293 30 डिग्री जो आपका 30 मिनट जो होगा गाइज वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ में एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि फोर्थ में जो आपके जितने भी एंगल होंगे वो 270 से तो ज़्यादा होंगे, और 360 से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो जो हमारा 293 है ये क्या है, 270 से तो ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसलिए हमारा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तो बिल्कुल सही है। अभी हमको क्या निकालनी है सर, क्वाड्रेंटल बियरिंग। अभी हमको होल सर्किल बियरिंग तो पता चल गई, क्वाड्रेंटल हमको निकालनी है। तो बिल्कुल गाइस, ये वाली हमको निकालनी है क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्यों निकालनी है, क्योंकि नॉर्थ से यही हमारे पास पास्ट में पड़ रहा है, तो नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो हमको क्वाड्रेंटल बियरिंग मिल जाएगी। तो टोटल हमारे पास पता है कितना है, 360 होता है, ये हमें पता है कितना, 293.30 हम दे रखा है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 360 में से। अच्छा अफरीद जी कह रहे हैं सर्वे में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं अफरीद जी, आप परेशान मत हो, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है, आप नोट्स बनाते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं इसलिए बहुत प्यार से करा रहा हूँ, धीरे धीरे करा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, देखो होल सर्किल बियरिंग जो होता है ना हमारा, वो हम नॉर्थ से मेजर करते हैं। ठीक है, नॉर्थ से ही मेजर करेंगे सारी रीडिंग। तो नॉर्थ से हमने मेजर कर लिया, और मैंने बता दिया क्यों आपका एग्जिस्ट कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी आप लोगों को बता दिया। अब हमको ये वाला पॉइंट निकालना था, तो पूरा हमको पता है 360 डिग्री है, 360 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जब 360 डिग्री में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 66 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। किस तरीके से माइनस करेंगे तो वो भी देख लो सर। साइन बताओ, साइन कौन सा वाला बताएं, केटी सिंह साइन बताओ, साइन कौन सा वाला बताएं। देखो 360 डिग्री में से आपको माइनस करना था कितना, 293 डिग्री और 30 मिनट माइनस करना था। ठीक है, तो जब आपको ये माइनस करना था, नहीं लाइव आओ 8 AM और 10 AM पे लाइव, हाँ वो 8 AM 10 AM पे जो आपके सर हैं ना यार, वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो अभी आ नहीं रहे हैं। ठीक है, परेशान मत हो, वो कुछ करेंगे। ठीक है, जो 9 वाली और वाली क्लास है ना उनकी, वो करेंगे GK वाली, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, इसको देखो, इसको कैसे माइनस करेंगे, देखो जो आपके पास 360 डिग्री था ना, तो 360 डिग्री को हम 359 डिग्री लिख लेंगे, और एक डिग्री में हम मिनट लिख लेंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, तब जा करके हम इसको माइनस कर पाएंगे। ठीक है, तब जा करके हम इसको माइनस करेंगे और इस तरीके से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, और माइनस करने के बाद जो हमको आंसर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नॉर्थ टू वेस्ट, हमको जा करके 66 डिग्री 30 मिनट हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। बहुत सारे न्यूमरिकल होते हैं यार सर्वे में। द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, गाइज आपको बताना है प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेइंग कंपास में कि किस में रीडिंग देते हैं हमको। जल्दी से सब लोग आंसर करो, ए बी सी सब लोगों के आंसर आने चाहिए। सर प्रिज्मेटिक कंपास यहाँ पर 30-46 का ए आंसर आ रहा है, केटी सिंह का ए आ रहा है, अभी वर्मा, यहाँ सब लोग आंसर करो गाइज, सब लोगों के आंसर आने चाहिए। देखो इसमें सर्वेइंग में न्यूमरिकल होते हैं कुछ, ठीक है, तो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, बहुत प्यार से समझाया जा रहा है आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि सारे टर्म्स क्लियर करे जाएँ। बिल्कुल गाइज, ए आंसर अफरीद जी का ए आया है, बिल्कुल केटी सिंह का आंसर 36, हाँ होल सर्किल बियरिंग बिल्कुल 360 होता है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर करो 360, हाँ बिल्कुल सही गाइज। देखो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है ना आपका, वो तो WCB में होल सर्किल बियरिंग में रीडिंग देता है, लेकिन जो सर्वेयर कंपास होता है वो किस में देता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सब लोगों का। ठीक है, बिल्कुल केटी सिंह का, बलराम जी का, हेमंत जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है प्लीज़। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड, गाइज इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो WCB में होल सर्किल बियरिंग, गाइज वो WCB होता है अभी वर्मा जी, WCB होल सर्किल बियरिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो 47 का, जो आपका एंगल होगा ट्रू मेरिडियन के बीच और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच एंगल डिक्लिनेशन होता है, बिल्कुल सही बी, बिल्कुल RPG का, रंगनाथ जी का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे पास, डिक्लिनेशन क्या होता है गाइस, डिक्लिनेशन होता है आपके पास। ठीक है, देखो एक बार समझाता हूँ आपको किस तरीके से होता है, यहाँ पे आ जाओ। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन समझ लो क्या होता है, बिल्कुल बी मुकेश मीना जी का आंसर बिल्कुल सही है। देखो भाई, जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को कनेक्ट करती है ना लाइन, वो तो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाती है। ठीक है, सिंपल आप लोगों को याद रखना है। अब देखो ये ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ था, ठीक है, ये ट्रू ईस्ट था और ये ट्रू वेस्ट था। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी पर अर्थ पर प्रेजेंट थे। अब एक निडिल हमारी आती है और निडिल क्या कर देती है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है, किसी भी हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स या किसी भी वहाँ पे प्रेजेंस की वजह से जो उसके डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक तरफ ट्रू नॉर्थ और एक तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना दोनों के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या होता है डिक्लिनेशन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 49 का, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अभी मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है, ठीक है। जितनी बार टेस्ट लूँगा ये क्वेश्चन ज़रूर रखूँगा, ठीक है। हाँ एज्यूमिथ भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, बिल्कुल गाइज हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, आपका बियरिंग भी हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, एज्यूमिथ भी हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट द प्लेस एट नून इन साउदर्न एमिस्फेयर इज 167 डिग्री, यहाँ पे सी आंसर आ रहा है, मीना चौधरी का, अभी वर्मा जी का भी आंसर सी आ रहा है। गाइज आप लोगों को क्या बताना है, मैग्नेटिक बियरिंग आपको दे रखी है, मैग्नेटिक बियरिंग आप लोगों को दे रखी है कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है आपकी सर सन है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में, कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका सन है और आपके पास जो मैग्नेटिक बियरिंग है उसकी वो कितनी है, 67 डिग्री है उसी सन की, ठीक है। बिल्कुल रियाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है एक बार आपका रियाज जी, एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार दोस्तों, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। देखो जो आपका मैग्नेटिक बियरिंग आप लोगों को दे रखी है साउदर्न हेमिस्फेयर में, अगर आपका सन एग्जिस्ट कर रहा है तो इस सन की आपको क्या दे रखी है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है 167 डिग्री, कितनी दे रखी है 167 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताना है गाइज, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है, क्या बताना है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप कहोगे सर अभी आपने हमें फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू जो होता है वो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है, यही तो कहोगे सर, प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। अब यहाँ पर हमको केवल क्या दे रखी है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है सर, मैग्नेटिक बियरिंग हमको दे रखी है, डिक्लिनेशन हमसे पूछा है और ट्रू बियरिंग हमको पता नहीं, तो हम दो चीज़ें कैसे अननोन निकालेंगे, एक ही फॉर्मूले से दो चीज़ें अननोन है कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं बताऊंगा ना कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है गाइज, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि जो आपका सन है ना वो कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में सन है, तो हमको पता है कि अगर सन हमारा यहाँ पर है तो अगर हम सन की पोजिशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सन की पोजिशन निकालेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, तो मुझे पता कि मैग्नेटिक बियरिंग जब भी हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ से लेते हैं, बता रखा है नहीं आपको, जब भी आप मैग्नेटिक बियरिंग लोगे वो कहाँ से लोगे, मैग्नेटिक नॉर्थ से लोगे, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से जब आप इसकी मैग्नेटिक बियरिंग लोगे सन की तो वो कितनी आ जाएगी, 167 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी गाइज 167, इसको देखो आप, ये आपके पास मैग्नेटिक बियरिंग आ गई 167 डिग्री, कहाँ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ से आ गई, लेकिन हमको तो इसकी पोजीशन कहाँ से निकालनी है, हमको तो इसकी पोजीशन निकालनी है सर, हमें तो डिक्लिनेशन निकालना है, सॉरी हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, डिक्लिनेशन निकालना है, लेकिन हमको ये पता है कि अगर ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो ट्रू बियरिंग कितनी होगी इसकी, 180 डिग्री होगी, क्यों होगी ट्रू बियरिंग, क्योंकि गाइज अगर आप ट्रू नॉर्थ से किसी भी पोजिशन को मेजर करोगे तो ट्रू नॉर्थ से जो आपकी पोजिशन आती है वो क्या आती है, ट्रू बियरिंग आती है ना, तो जब आप ट्रू नॉर्थ से इस सन की पोजीशन को देखोगे तो कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, नहीं है तो ट्रू बियरिंग कितनी हो जाती है आपके पास, 180 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ट्रू बियरिंग इसकी निकालनी थी, आगे बात समझ में, जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है अगर वहाँ पर आपका सन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो ट्रू बियरिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी ट्रू नॉर्थ से, ठीक है। बस आप लोगों को पता चल गया, अब आप लोगों को डिक्लिनेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे ट्रू बियरिंग में से मैग्नेटिक बियरिंग को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगी, अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, जब पॉजिटिव आ रही है तो वो किस डायरेक्शन में होगी, ईस्ट की तरफ होगी। सर जी पंकज जी फोकस ऑन, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अपना फोकस रखो गाइस, बिल्कुल सही बात है, तो आपका पास जो डिक्लिनेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 डिग्री, कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है जल्दी से सब लोग आंसर करो गाइस, ठीक है। एक बार जो हमारे साथ जुड़े हैं नए साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से, हम 2K लोग हो जाएंगे, एक की कमी थी बस, ठीक है। द ग्रेजुएशन और इन अ प्रिज्मेटिक कंपास, इसका आंसर बता दो जल्दी से सब लोग, ग्रेजुएशन जो होता है, बिल्कुल केटी सिंह का आंसर ए आ रहा है सर, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे हैं बताने के, कौन से सही हैं, कौन से फॉलो करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को। देखो मैंने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को समझा दिया, आप जल्दी से आंसर कर दो इसका, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था सर, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें प्रिज्म लगा हुआ होता है, और प्रिज्म जो लगा हुआ होता है वो इसीलिए लगा होता है कि जो भी उसमें इन्वर्ट रीडिंग होंगी ना, इन्वर्ट रीडिंग जो भी उल्टी रीडिंग होंगी उनको हम सीधा करके पढ़ लें, तो एक तो हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि प्रिज्म जो होगा प्रिज्मेटिक कंपास है तो प्रिज्म लगा होगा और इन्वर्ट रीडिंग उसमें आ रही होंगी, तो उनको सीधा करके पढ़ेंगे किसकी हेल्प से, प्रिज्म की हेल्प से, ठीक है, इतना हमारे पास क्लियर हो जाता है। बाकी बचता है गाइस रन क्लॉक आपका हैविंग जो आपका साउथ होता है, साउथ में कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री पर प्रेजेंट होता है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये वाला जो साउथ वाला पॉइंट है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो ये देखो ये थोड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा आपको ब्लर
ये पिक दिख रही होगी, ब्लर दिख रही होगी थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो, ये साउदर्न वाला हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईस्ट वाला है 270 डिग्री पे होता है, साउदर्न वाला 0 पे होता है, वेस्ट वाला 90 डिग्री पे होता है, और जो नॉर्दर्न वाला होता है वो 180 डिग्री पे होता है। इस तरीके से मेरा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इन फील्ड व्यूज ओनली प्रिज्मेटिक कंपास सर, नॉट ओनली सर्वेयर कंपास। बिल्कुल सही बात है फ्रीजी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी कि इस तरीके का होता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो बताओ कैसी लगी, ठीक है। काफी मेहनत करी इस वीडियो में, और कल के लिए मुझे ये बताओ कि कल मैं रीजनिंग लेकर के आ रहा हूँ, कौन कौन आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग आओगे तो लेकर के आऊंगा, वरना नहीं लेकर के आ रहा हूँ। 12 PM पे रीजनिंग बताओ कौन कौन आ रहा है, 12 PM पे रीजनिंग के लिए। सिर्फ एक बार क्लास लेकर के देखो कैसी लगेगी, अगर तुमको लगता है अच्छी है क्लास तो अपना फीडबैक देना, तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, वरना रोक दूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे मास्टर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, लेकिन एक बार मुझसे भी पढ़ लो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे चीज़ें। अब फ्रिज जी कह रहे हैं इंग्लिश में डालो, यार इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पंकज जी कह रहे हैं 2K, हाँ एक बार रीजनिंग के लिए बताओ गाइज, एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार क्लास लेकर के देखो, सिर्फ एक बार। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे, आपका मन करे कि हाँ सर आप लोग आप रीजनिंग पढ़ाओ, ठीक है, तो आप पढ़ना, वरना मना कर देना। राजीव कुमार जी इंग्लिश में रीजनिंग, केटी सिंह कह रहे हैं रीजनिंग में नहीं है, अच्छा आरपी सिंह कह रहे हैं केवल टेक्निकली कराओ। देख लो, मैं तो सिर्फ टेक्निकली करा दूंगा, आप लोगों के लिए बोल रहा था अगर आप लोग बोलोगे तो करा दूंगा, ठीक है, बता देना एक बार कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आप PDF चाहते हो तो VIP एडवांस टेक को, हमारे टेलीग्राम चैनल को, बिल्कुल। वेरी गुड नाइट गाइज एवरीबडी, हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक बार फेसबुक पेज को लाइक कर देना, लाइव क्लासेस के बारे में आप लोगों को पता ही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग सब प्रिपरेशन करते रहो अपनी कंटिन्यूसली, ठीक है, ऐसे ही जैसे चल रहा है, और सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। चलो ओके बाय, थैंक यू, ठीक है। रूपम जी भी ओके ओके गाइज, ठीक है, वेरी गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, विश यू स्वीट ड्रीम।